एक लंच में आप बैठते हैं अमित शाह के बगल में जी, और अमित शाह बोलते हैं ओहो आज तो एंटू ये हिंदू कम्युनिस्ट लोग भी हमारे साथ बैठ गए। कहाँ पे हो रहा था ये लंच? ये मुझे लगता है बीजेपी के कार्यालय पे था, कोई फंक्शन था और उसके बाद लंच रखा गया था वहाँ, और मैं वहाँ बैठ गया। अब क्या कहें, कोई जगह मैं, मुझे भी लगा अमित शाह भाई से थोड़ी बात करते हैं, और उन्होंने सीधा कहा ये आज तो एंटी बीजेपी या जो भी कहिए एंटी हिंदू कम्युनिस्ट लोग, कहाँ हम कम्युनिस्ट हैं। पर फिर भी एक तरह से देखिए अमित शाह, और मैं कहता हूँ इस चैप्टर में अंग्रेजी बोलने वाले खास कर की जो वो मानते हैं एलईडी, ये जो खान मार्केट, ये जो टारगेटिंग होती है, वरुण गांधी को भी देखिए कहीं ना कहीं वो अमित शाह के सर्कल में नहीं है, क्योंकि अमित शाह को लगता है वो एक तरह से अंग्रेजी लटियंस दिल्ली से आते हैं। अब मैं कहीं लटियंस दिल्ली से नहीं आता, और मेरी अच्छी रिलेशनशिप थी अमित शाह भाई से। ऐसी क्यों इमेज बन गई राजदीप? मेरी बन गई है 2002 के बाद खास करके, और उसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई होगी, लेकिन मैंने देखिए इस इमेज के लिए मैं या किसको जिम्मेदार रखें। अब जनता ऐसी बन गई है, इधर यू आर विथ अस और विथ देम, क्या आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं है तो आप विरोधियों के साथ। नेता आपको मुंह पे कम्युनिस्ट बोल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपको बात अच्छी नहीं लगी किसी की, मैंने कुछ कह दिया तो आप तुरंत कह देते हैं कि आप एंटी हिंदू है, आप सेक्युलर स्यूडो सेक्युलर है। थोड़ा आप सेक्युलर लोग हिंदू धर्म पे किताबें पढ़ा करो, अंग्रेजी किताब में कुछ रखा नहीं, ये भी अमित शाह ने कहा आपसे। बिल्कुल कहा। देखिए अमित शाह जी को लगता है कि मैं शायद उनमें उन पत्रकारों में से हूँ जो कांग्रेस के कल्चर से आता हूँ। अब मैं नहीं, ना कांग्रेस कल्चर ना बीजेपी कल्चर, सच कहें मेरे दोस्त खास करके जब मैं दिल्ली आया, मेरे ज़्यादातर दोस्त बीजेपी में हुआ करते थे, गोविंद आचार्य जी, मोदी जी खुद, प्रमोद महाजन, बहुत ही अच्छे मेरे तालुकात थे, बहुत स्टोरीज मुझे देते थे, महाराष्ट्र से आते थे, अच्छे तालुकात थे। कांग्रेस में मेरे इतने दोस्त नहीं थे। अब फिर भी अगर आप चाहे तो आप जो भी कहें, हाँ ये तो है। कब आए थे आप दिल्ली? मैं आया 1994 फरवरी में, 1994 फरवरी में नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। और कई लोग करते हैं कहते हैं कि राजदीप भी, जैसे आपने नृपेंद्र मिश्रा का एग्जाम्पल दिया ना, कि जो भी पार में है उनके साथ उनके अच्छे वर्किंग ताल्लुकात रहे, ये 2014 के बाद बदल गए। नहीं कहां ये, देखिए इज देयर समथिंग कॉल्ड एक्सेस जर्नलिज्म राजदीप? देयर इज एक्सेस जर्नलिज्म, कि आपको अगर सरकार को कवर करना है तो आपको सरकार के नज़दीक रहना पड़ता है। आप हर रिपोर्टर से पूछे, जो बीजेपी का रिपोर्टर है उनको बीजेपी के नेताओं से संबंध बढ़ाने पड़ते हैं, जो कांग्रेस का रिपोर्टर है उनको बढ़ाने पड़ते हैं। ये खास करके दिल्ली की कमजोरी है, और क्योंकि हमेशा से रहा है सर, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा। देखिए लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ये जो गुलमोहर पार्क में वगैरह में जो पत्रकारों को घर मिले वो कब मिले? नेहरू शास्त्री के टाइम पे मिले हैं। ये देखिए ये और ये जर्नलिज्म, और ये स्टेट्स में भी होता है, राज्यों में भी होता है, लोगों को घर मिलते हैं, पोजीशंस मिलती हैं।